एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया था तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंदारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंदारी कंदारी कंदारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंदारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तब उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल। इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंदारी जो क्रेट है, क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने वो सांप को प्यार से वापस यहीं पर छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसी लग रही है आपको? हाँ तो बस वही है, ठीक है।